अब मौसम बिल्कुल खराब है, 5 बीघा फसल नुकसान है। 6 बीघा धान लगभग 1.25 एकड़ पानी में जो है डूब गया है, पकी हुई फसल। रविवार से शुरू हुई झमाझम बेमौसम बरसात और तूफानी हवाओं के कारण किसानों की लहलहाती तैयार फसल खेतों में गिरकर पानी में डूब गई। किसान की जमा पूंजी भी अब लौटने के आसार नहीं रह गए। माना जगराम है साहब और गौसिया ग्राम सभा रहने वाली हुई। कल से बारिश जो हो रही है इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया सर और फसल सारी तक नष्ट हो गई। मैं चाह रहा हूँ सरकार को मुझे अनुदान वगैरह हो सके तो कर दिया जाए। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के चलते मौसम के परिवर्तन का अब कोई सही समय नहीं रह गया। इसी कारण बेमौसम बरसात और तूफानी हवाएं खेती को चौपट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। पिछले 3 महीने में तीसरी बार उठे समुद्री तूफान से बने चक्रवात के कारण रविवार को तेज हवाओं के साथ लगातार हुई बारिश ने किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा। इनकी तैयार धान की फसल खेतों में गिर कर पानी में तैर रही है। आपका सियामढ़ी शुक्ल। किस गांव से हैं आप? सिंहपुर। ब्लॉक कौन सा लगता है आपका? मुझे हना गोंडा। लगभग आपका कितने बीघे का धान नुकसान हुआ है? 6 बीघा धान लगभग 1.25 एकड़ पानी में जो है डूब गया है, पकी हुई फसल लगभग गिर गया है, प्लेट हो गया है। जी। जिन किसानों ने फसल काट कर सूखने के लिए छोड़ा था वो पछतावा कर रहे हैं। हाँ भैया, लगभग 5 बीघा लाग रहा और ये मौसम बिल्कुल ख़राब कर दी। 5 बीघा फसल नुकसान भाई पूरा हमारा, धान लाग रहा पूरा। या देख लो या हर बहार ऐसी या वैसी। किस गांव से हैं आप लोग? सिंहपुर। कौन सा ब्लॉक है आपका? मुजाहना। रात दिन आवारा पशुओं से बचाने के लिए फसल की पहरेदारी करने वाले किसानों के आगे अब अपनी जमा पूंजी भी लौट कर आने की नौबत नहीं दिखाई पड़ रही है। किसानों की कमर तोड़ने वाली इस बरसात ने अगली फसल की बुआई तक के लिए प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। किसान खेतों की हालत देखकर रोने को आ रहा है, लेकिन इतने के बावजूद शासन प्रशासन की अभी आंख खुलती नजर नहीं आ रही है। क्या नाम है दादा आपका? कौन से गांव से हैं? लगभग आपका कितने बीघे का धान नुकसान हुआ? 10 बीघा का। 10 बीघे का। कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? बाहर में जाना पड़ता है। ये तूफानी बरसात किसानों के लिए आफत बन गई है।